थ्री ऑफ कप्स, ओके, काफी सेलिब्रेशन के साथ इस वीक को स्टार्ट कर रहे हैं आप। मे बी आपके फ्रेंड्स में किसी का बर्थडे हो सकता है, या आपका बर्थडे हो सकता है, या फैमिली मेंबर में किसी का बर्थडे हो सकता है, तो आप उसको काफी अच्छे से सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं इस वीक में। कुछ तो भी सेलिब्रेशन कर रहे हो, अच्छी बात है। एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम में आया है फाइव ऑफ कप्स, उसके नीचे फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपका फोकस मुझे पेंटिकल पे भी दिख रहा है, अपने मनी, अपने करियर, अपने बिजनेस पे भी दिख रहा है, और लव लाइफ पे तो है ही आपका फोकस। तो पहले मैं आपके करियर से रिलेटेड बात करना चाहूंगी। आप करियर में कुछ काफी टाइम से किसी निगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हैं, आपको जिस टाइप का करियर चाहिए मे बी आपको वैसा नहीं मिला है, आपको जिस टाइप का बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए अभी तक आपको वैसा कोई प्रॉफिट नहीं मिला है, या आपको बिजनेस ही आपको ऐसा करने को नहीं मिला है कि आप उसमें अपना 100% देके अपने एफर्ट्स लगा के ग्रोथ के साइड उसको लेके जाएं। आपको अभी तक कुछ निगेटिव चीजें ही डील करनी पड़ी हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इस वीक में आप कोई छोटा स्टेप लीजिए, अपने बिजनेस में ही छोटा स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए, खुशियां आपका वेट कर रही हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है, बिजनेस में स्टेबिलिटी आने वाली है। और जॉब के रिलेटेड में बताऊं तो जॉब में भी आपके पास कोई ऑफर या कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी नजर आ सकती है जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी आपको। काफी अच्छी एनर्जी निकल के आई है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। और पर्सनल लाइफ की मैं बता दूं, अभी तक आप अगर नेगेटिविटी से डील कर रहे थे तो इस वीक में आप अपनी ही एनर्जी में आ जाओगे। पहले तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप कोई तो भी सेलिब्रेशन कर रहे हो फोर ऑफ वॉन्स के साथ। मुझे लग रहा है इस वीक में जो अनमैरिड है उनके साइड कोई मैरिज से रिलेटेड कोई प्रपोजल आ सकता है इस वीक में, तो उसको लेके आप मे बी सेलिब्रेट कर रहे हो कि खुशियां आ रही हैं आपकी लाइफ में, या आपकी फैमिली में किसी की मैरिज सेट हो सकती है ना, मैरिज से लेके कोई बातें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो तो वो पर्सन आपके साइड कोई छोटा ही सही कुछ कम्युनिकेशन लेके आ रहा है, आपसे कोई मैरिज से रिलेटेड, रिकंसिलेशन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है, या आप उनके पास जा सकते हैं। मैं कह रही हूँ ना, जो अनमैरिड है उनके पास तो बिल्कुल 101% मैरिज का प्रपोजल आ रहा है इस वीक में, ठीक है। और जो अपने पार्टनर से डील कर रहे हैं तो उनके पास कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, और जो मैरिड है उनके लिए भी कोई तो भी सेलिब्रेशन आप देख सकते हो इस वीक में। अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आपका, तो आप वापस से उनसे रिकनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी निकल गई, कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, बस फाइव ऑफ कप्स जो अभी तक था बट अब इस वीक में नहीं है ये कार्ड, ठीक है, ये आपकी पास्ट की एनर्जी बता रहा है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है फिलहाल। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है कुछ तो भी अभी तक प्लेफुल एनर्जी में रहते थे, आपके साइड कम्युनिकेशन लेके आना चाहते हैं बट आते नहीं थे, अगर आते भी थे तो एक दिन कम्युनिकेशन लेके आ गए, फिर दो तीन दिन फिर मे बी आपका कोई कम्युनिकेशन ना होता हो, है ना। तो लेकिन वो अब इस एनर्जी से बाहर आके कुछ सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते, सोच रहे हैं इस ऑफर को आप तक कैसे पहुंचाया जाए। अभी तक इनके थॉट्स थोड़े प्लेफुल रहते थे तो अब ये थोड़े से सीरियस हो गए, इनके अंदर स्ट्रेंथ आ गई, जिस चीजों से इनको डर लगता था, कुछ लोगों से इनको डर लगता था, या आपके साइड एक्शन लेने में ये डरते थे, तो इनका फियर इनके माइंड से निकल चुका है, आपके साइड ही इनका फोकस हो गया है। अब इनको बस, अब इनकी लाइफ के विजन्स मुझे बहुत ज्यादा वाइड लग रहा है, इनको अपना प्रोफेशनल लाइफ भी बेटर चाहिए, पर्सनल लाइफ भी बेटर चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी बेटर बनाएंगे और पर्सनल लाइफ में आपके साइड एक्शन लेके जाएंगे। तो मैं कह ही चुकी हूँ स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग कि आपके साइड ही कोई कम्युनिकेशन लेके आ सकते हैं, मे बी मैरिज कमिटमेंट रिकंसिलेशन से लेके आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं तो थोड़ा और इनकी एनर्जीज के बारे में पता चलेगा किस मूड में है ये। मून, मैं कह रही हूँ अभी तक ये ना थोड़े प्लेफुल एनर्जी में रहते थे, क्योंकि इनके माइंड में ना कुछ लोगों ने ड्रामा क्रिएट करके रखा था, या कुछ निगेटिविटी इनके माइंड में चल रही थी, इस वजह से आपके साइड नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब इस एनर्जी से, ये मून की एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, सिर्फ उनका फोकस है तो आप पे है। वो दिन रात अगर वो प्लानिंग करते हैं तो आपके बारे में प्लानिंग करते हैं कि आप तक कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, सोशल मीडिया के थ्रू वो आपसे कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं। मे बी
वो आपको कोई मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो उस पर वो आपको कोई कम्युनिकेशन सेंड कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, फोर ऑफ सॉर्ड बॉटम में निकल के आया, मैं बोल ही चुकी हूँ काफी टाइम से ये प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत इन्होंने थिंकिंग मोड में जाके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, अब उन्होंने सोचा है कि अब थिंकिंग मोड से बाहर निकल के एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनना है, आपके साइड एक्शन लेके आना है। तो मैं बता रही हूँ इस वीक में उनका कोई एक्शन आ सकता है आपके लिए, और ये पेज ऑफ पेंटिकल के साथ कोई छोटा ही एक्शन सही, लेकिन एक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पेज का कार्ड आया है और यहाँ भी पेज का कार्ड है, और पेज के कार्ड कोई मेजर एक्शन को शो नहीं कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा ही सही, बट एक्शन आपके साइड आएगा इस वीक में। ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा और वो जो भी एक्शन होगा। अब देखते हैं कि आपको इस वीक में क्या गाइडेंस फॉलो करना है। टू ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ कप्स, ओके, चैरियट, बॉटम में टेम्परेंस, एक से बढ़ के एक कार्ड के लिए। मिडिल ऑफ द रीडिंग आया है टू ऑफ कप्स और टेम्परेंस, यहां भी यूनिवर्स प्रेजेंट है, यहां भी यूनिवर्स प्रेजेंट है, तो आप दोनों को मिलाने का काम किसका है, भगवान का है, यूनिवर्स का है, उन पे छोड़ दीजिए सारी चीजें, आप तो सही डायरेक्शन में आगे बढ़िए, सारी खुशियां आपका वेट कर रही है। ये जो कप है ना, ये यूनिवर्स के हाथ में ये जो कप है, ये वही कप है जो वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, आप उनको ऑफर करना चाहते हैं, आप दोनों की जो विश है, आपकी जो डिजायर्स हैं, वो पूरी फुलफिल होंगी। मे बी आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, इस वजह से आप थोड़े से रनर चेजर जैसा आप काम करते होंगे, मे बी आपके पार्टनर जब रनर बनते होंगे तो आप चेजर बन जाते होंगे, और आप जब रनर बनते होंगे तो आपके पार्टनर चेजर बन जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी है चैरियट कार्ड के साथ। और ये तो 101% मैं बता ही चुकी हूँ कि वो इस वीक में कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, और चैरियट कार्ड ने इसको प्रूफ कर दिया, आएंगे वो आपके पास वापस से, रिकनेक्ट होंगे, आपकी जो विश है, आपकी जो डिजायर्स हैं, उनको लेके सारी फुलफिल होंगी। ठीक है, ट्रस्ट करना है तो यूनिवर्स पे करना है, भगवान पे करना है, वही आप दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे।